अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताज किचन सब नेक्सिस में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले मिक्स पिकल। जो भी फटाफट पिकल अपने घर पे नहीं हो, तो जब घर में पिकल नहीं हो तो ये पिकल बना सकते हैं फटाफट। इंस्टेंट अचार है ये। तो इसके लिए हमें चाहिए कुछ सूखे मसाले। उसमें हम डालेंगे हल्का सा जीरा 2 टीस्पून, सौंफ लेंगे 2 टीस्पून। सब मिक्स कर लें और हम लेंगे राई 2 टीस्पून। जितना पिक्कल हो उसके हिसाब से आप राई, जीरा, सौंफ ले सकते हैं। तो हमने सौंफ थोड़ा वो लेना है। तो ये देखिए गाइस, मैंने सूखे मसाले निकाल लिए हैं। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। आपके पास जो भी वेजिटेबल है, कैरेट और हरी मिर्ची, मैंने इन्हें कट करके साफ़ करके रखी है इस तरीके से लंबी लंबी। हम गरम करेंगे ऑयल। सरसों का तेल मैंने गरम कर लिया अच्छा सा, उसे ठंडा करने के लिए छोड़ दें। तो देखिए गाइस, हमारा ऑयल ठंडा हो रहा है। मसालों को हम दरदरा पीस लें। देखिए गाइस, हमने इस तरीके से दरदरा पीस लिया है। अब इसमें हम डालेंगे हल्के से मेथी दाने, ज़्यादा नहीं, 1/2 टीस्पून। अब इनको हम मिक्स कर लें अच्छे से। फिर हम लेंगे पीसे हुए मसाले। पीसे हुए मसाले में हम लेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। इसमें हम डालेंगे हल्का सा गरम मसाला और इसमें साल्ट डाल दें स्वाद अनुसार। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए गाइस, हमने एक बाउल लिया है। उस बाउल में हम डाल लेंगे पहले सारे वेजिटेबल जो हमने कट करके रखे हुए हैं। ये सारे वेजिटेबल्स हम मिक्स कर दें। हमने लिए कैरेट, ग्रीन चिल्ली, तो इनको मिक्स कर दें। दरदरा मसाला पीसा हुआ वो डाल दें, इसके ऊपर स्प्रेड कर दें। सूखे मसाले इन्हें मिक्स कर दें। साल्ट मिक्स करेंगे स्वाद अनुसार। अभी हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, जो कि हमने गरम करके ठंडा करके रखा हुआ है, इसमें डाल दें। फिर अच्छे से मिक्स। कुछ ही देर में बन के हमारा अचार तैयार है। बनाइए और खाइए, मज़े लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय गाइस।